Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra and I welcome you all in Dr. Jay's Biology. I have completed my BDS from Civil Hospital Ahmedabad and completed Master in Arts in Clinical Psychology. My concept is let's learn biology as an art. Biology ko art ki tarah padh sakte hain. Chaliye shuru karte hain ek naye chapter ke saath aaj ke lecture ki. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये चैप्टर के बारे में समझने वाले। आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया होगा जो डिजीज से रिलेटेड थे। इस चैप्टर में हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जुड़े हुए हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर में हमें यूजफुल होते हैं। व्हाट आर द माइक्रोब्स? Which living organisms can be included into the microbes? Microbes में क्या include किया जा सकता है, किसको microbes कह सकते हैं? तो microbes word micro मतलब छोटे से आया। जो organism size में बहुत ही छोटे होते हैं उनको microbes कहा जाएगा। इनको आप naked eye से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए microscope का आपको सहारा लेना पड़ेगा, help लेनी पड़ेगी। Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi and the microscopic plants. Viruses, viroids and the prions that are proteinaceous infectious agents, ये सब microbes हैं। तो bacterial kingdom पूरा, जो monera के नाम से भी जाना जाता है, protozoa, protistal kingdom में आता है, fungal kingdom के कुछ organisms और plants के ऐसे organisms जो microscopic हैं, viruses से भी छोटे viroids और प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रायोन्स, ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में है। अगर वायरोइड्स और प्रायोन्स के बारे में फिलहाल आप कुछ नहीं जानते तो आप स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 एक बार जरूर रिफर करिए। वायरोइड्स और प्रायोन्स के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, इनके बारे में हम कम इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये फिर भी रिसर्च के लिए बेटर टॉपिक है आज के समय के लिए भी, और बहुत से साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करने के लिए जुड़े हुए हैं। वायरोइड्स और प्रायोन्स की डिटेल स्टडी कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ रेंजिंग फ्रॉम सोइल, एयर, वाटर एंड सम इनहैबिटेबल प्लेसेस। ये कहाँ रहते हैं? एवरीवेयर, ये अर्थ के हर एक जगह पे पाए जाते हैं। सोइल, एयर, वाटर से लेके ऐसी जगह जो इनहैबिटेबल मतलब रहने लायक नहीं होती, वहां पर भी। इवन वोल्केनो के माउथ पे जहां एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है वहां फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी, और इवन इन बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर में भी पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। आप फिगर में देख पा रहे हैं, आपको जो पेट्री डिश दिख रही है उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको न्यूट्रिटिव मीडिया कहा जाता है। ये न्यूट्रिटिव मीडिया न्यूट्रिशन से बना है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रिटिव है। इसके अंदर वो न्यूट्रिशन हम रखेंगे जो बैक्टीरिया और फंगी को ग्रो करने के लिए जरूरी है, जो उनका फूड है। अब ये बैक्टीरिया और फंगी के कुछ सिलेक्टेड जो ऑर्गेनिजम्स हो गए उनको हम इस डिश में रखेंगे और फिर ये न्यूट्रिटिव मीडिया का एज अ फूड यूज करेंगे और फिर अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक है उनको कम नंबर में देखा नहीं जा सकता। जब उनके नंबर्स बहुत कम हो गए तब उनको देखना, उनकी स्टडी करना काफ़ी मुश्किल रहती है, इसलिए हम न्यूट्रिटिव मीडिया का सहारा लेके उनको ग्रो करवाते हैं। जब इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे और ये ढेर सारे ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे तब हम इनको कॉलोनीज बोलेंगे और फिर उसको नेकेड आई से देखा जा सकता है और माइक्रोस्कोप में ये ऑर्गेनिजम्स को स्टडी भी किया जा सकता है। विच कैन बी सीन बाई नेकेड आईज एंड वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेड एंड गुड बैक्टीरिया। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेड नहीं होते, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ बैक्टीरिया से डिजीजेस होते हैं जैसे कि लेप्रेसी है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टाइफॉइड है, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक है वो डिजीज कॉजिंग है। कुछ गुड बैक्टीरियाज भी हैं जो हमें प्रॉफिट देते हैं, जो हमें फायदा करवाते हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। माइक्रोब्स कॉज मेनी डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कुछ
बैड बैक्टीरिया है, कुछ गुड बैक्टीरिया है। तो एक जैसे बिहेवियर शो नहीं करते ये बैक्टीरिया। जैसे हम भी देखते हैं कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती, हर एक का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, उस तरीके से यहाँ पर भी एक बैक्टीरियल ग्रुप है, पूरा एक बैक्टीरिया किंगडम है, मोनेरल किंगडम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म से सारे एक जैसे नहीं है, सब बुरे नहीं है, उनमें से कुछ अच्छे भी है जो हमें फायदा करवाते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो ह्यूमन वेलफेयर के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो घर की प्रोडक्ट्स है, वो फॉर्म करने के लिए यूजफुल है। उसमें सबसे पहला सब टॉपिक है मिल्क टू कर्ड। हम सब जानते हैं कि मिल्क से ही कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। किस तरीके से ये बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। मतलब मिल्क के अंदर ये लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर डाले जाए तो वो मिल्क से कर्ड फॉर्म कर देते हैं। LAB प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। हम जानते हैं मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है और मिल्क के उस प्रोटीन को कैसीन नाम भी दिया गया है। ये LAB जो बैक्टीरिया है वो पहले तो एसिड फॉर्म करते हैं। ये जो एसिड फॉर्म करते हैं इनका नाम लैक्टिक एसिड है, इसलिए इनका नाम पड़ गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनके एसिड की वजह से पहले तो कोएगुलेशन हो जाता है मिल्क के अंदर और फिर मिल्क का जो प्रोटीन है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली नहीं, और इस प्रोसेस से बन जाता है कर्ड। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। खास चीज इम्पोर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए। जो वेजिटेरियंस होते हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं उनके लिए मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, यही सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो विटामिन B12 का इकलौता सोर्स है, द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12 फॉर द वेजिटेरियन। बाकी विटामिन B12 है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है और B12 की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वो नर्वस टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए और खास करके RBC जो है उसके मैच्योरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो नर्वस सिस्टम को बहुत बड़ी डैमेज हो सकती है और एनीमिया भी हो सकता है। इसलिए जो मिल्क, कर्ड या बटर मिल्क को एज अ फूड यूज करते हैं, अपने फूड में रेगुलरली यूज करते हैं, उनमें B12 की डेफिशिएंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती। मिल्क के अंदर जो B12 होता है वो B12 डाइजेस्टिव सिस्टम उतना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितना B12 वो कर्ड या बटर मिल्क से एब्जॉर्ब करती है। मतलब जो क्वालिटी है B12 की वो कर्ड में बढ़ जाती है और ये B12 की क्वालिटी बढ़ाने का काम है वो ये LAB मतलब कि कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया करते हैं। इन अवर स्टमक टू द LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस और LAB, ये बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत यूजफुल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, कहीं पर भी दो राजा नहीं हो सकते। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उनमें कोई एक ऑर्गेनिज्म ही डोमिनेंसी दिखा सकता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है। जब आपको डिजीज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी सिस्टम में डोमिनेटिंग हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं, वो राजा बन जाते हैं एक तरीके से। और जब आप कर्ड खाते हैं तो इन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, LAB का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, वो जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनकी डोमिनेंसी कम होने लगती है और LAB बैक्टीरिया जो है उनके नंबर डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्रीज होने लगते हैं। इस तरीके से वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इसलिए डॉक्टर कई बार आपको कहते हैं जब डायरिया होता है तो डॉक्टर आपको ग्रेन्स खाने से मना करता है, हैवी फूड, ऑयल, स्पाइसी फूड खाने से मना करता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गई होती है, और वो आपको एडवाइस देता है कि आप कर्ड खाइए। उसके पीछे का रीजन यही है। फर्मेंटेड फूड आज के जमाने में ये सबसे बड़ी नीड हो चुकी है लोगों की। कहां फर्मेंटेड फूड यूज नहीं किया जाता, हर जगह फर्मेंटेड फूड को इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपने, the duff is used for making food such as dosa and the idli is fermented by bacteria. dosa और idli south indian food, ये लोगों को बहुत ज्यादा attract करता है. इंडिया में साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट या वेस्ट कोई भी पार्ट हो, वहाँ डोसा ना मिलता हो ऐसा नहीं होगा. ये फूड आया तो साउथ इंडिया से है लेकिन इतना फेमस हो चुका है इसके टेस्ट और इसकी रेसिपी की वजह से कि सब जगह ये आपको इजीली मिल जाएगा, ऑलमोस्ट मिल जाएगा. डोसा और इडली, ये राइस से बनाया जाता है. और मैं आपको बता दूँ, इसका डफ बनाने के लिए आपको राइस यूज करने होते हैं जिसको भिगो के रखा जाता है रात भर, फिर इसको पीसा जाता है. और पीसने के बाद उस बैटर को हम लगभग लगभग 10 से 12 घंटे तक वैसे का वैसा पड़ा रखते हैं. इससे उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और वो फर्मेंटेट करते हैं. फर्मेंटेशन नाम की प्रोसीजर होगी. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. आपने जब बैटर बनाया था राइस को पीस के, तब वो बैटर आपने देखा तो वो पतीले में आधा भरा हुआ था. जब आपने उसको भर के रखा 8-10-12 घंटे, फिर आपने खोला तो आपका पूरा जो बर्तन है वो भर चुका है उस लिक्विड से, उस बैटर से. ये फूल गया लिक्विड, उभर के ऊपर की तरफ आया है. क्यों? जो पफिंग है वो क्यों हुआ? क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसीजर से बैक्टीरिया ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया, इस रीजन से. ढोकला में भी सेम होता है ऐसा. और अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा का जो बेस बनाया जाता है उसके लिए ईस्ट यूज की जाती है. द डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड द पिज़्ज़ा बेस इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट. बेकरी प्रोडक्ट में इस ईस्ट का यूज किया जाता है, इसलिए बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं. ईस्ट यूनिसेल्यूलर फंगी है और इस ईस्ट का नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी. ये वो ईस्ट है जो अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में. ये वही ईस्ट है जो पाव बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और पिज्जा का जो बेस है उसको बनाने के लिए यूज की जाती है. तो यहाँ पर ईस्ट फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस करती है. और ये सारा फूड हम जिसकी बात कर रहे थे इस टॉपिक में, ये फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में आएगा. चीज मेकिंग, जब बात आती है चीज की तो कौन चीज को पसंद नहीं करता? हर एक इंसान, बच्चा चीज में इंटरेस्टेड होता है. अब तो देखिए जो हमारे फास्ट फूड से उनमें भी चीज डालने लगा है. हर एक चीजों में चीज डाला जाता है. पकौड़ी में चीज डालते हैं लोग, सैंडविच में चीज डालते हैं, पिज्जा में तो डेफिनेटली चीज डालते हैं. कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं रही फास्ट फूड में जिसपे चीज ना डाला जाता हो. चीज वर्जन लोगों ने अलग से, हर एक फास्ट फूड का चीज वर्जन बना के रखा है. तो चीज काफी डिलीशियस होता है और हर एक बच्चे को लगभग चीज पसंद होता है. यूरोपियन कंट्री में चीज का बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है. ये लोग सालों से चीज मेकिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं और अलग अलग किस्म के चीज बनाने में माहिर हैं. आपने देखा होगा कि अलग अलग किस्म के चीज यूज किए जाते हैं. 7 चीज पिज्जा, ये आपने नाम सुना होगा पिज्जा का. ये पिज्जा में 7 अलग अलग किस्म के चीज यूज किए जाते हैं. अब बात है कि चीज बनता तो मिल्क से ही है, तो ऐसे अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के चीज फॉर्म कैसे होते होंगे? अलग अलग किस्म के ये सारे चीज बनाने के लिए अलग अलग माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, इससे सबके टेस्ट में वेरिएशन होता है. चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वेर यूज्ड. ये बहुत पुरानी आइटम है, ऐसा नहीं अब बनना शुरू हुई, सालों से बनती आ रही है. जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन कंट्रीज का बहुत पुराना हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है चीज को लेके. द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. आपको फिगर में दिख रहा है टॉम एंड जेरी कार्टून, आप सबने देखा होगा, बहुत फेमस कार्टून सीरीज है ये, जिसमें जेरी ऑलवेज एक चीज को लेके हुए खड़ा होता है. वो एक चीज के पीछे ऑलवेज भागता रहता है और उस चीज में ढेर सारे छोटे छोटे खड्डे होते हैं जो आप फिगर में देख पा रहे हैं. उस चीज को स्विस चीज के नाम से जाना जाता है. उसमें इतने बड़े बड़े खड्डे कैसे हो जाते हैं? वो खड्डे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. जब बैक्टीरिया उस चीज के अंदर ग्रो होते हैं तब वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे होल्स क्रिएट होते हैं. और इस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जो चीज मेकिंग के साथ जुड़े हुए, जो स्विस चीज से जुड़े हुए हैं. अब देखते हैं चीज का एक और टाइप, रॉकवी फोर्ट चीज.
ये जो चीज है वो बनाया कहां से जाता है? दिस चीज इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। एक पर्टिकुलर फ्लेवर फॉर्म करने के लिए हम इस चीज पे एक स्पेसिफिक फंगस को ग्रो करवाते हैं और ये उसको एकदम अलग और डिफरेंट फ्लेवर देगी। आपने पहले जो स्वीस चीज देखा उसमें बैक्टीरिया की वजह से एक टेस्ट और एक फ्लेवर आता था, और रॉकवी फोर्ड चीज के अंदर ये जो फ्लेवर है वो फॉर्म होता है एक स्पेसिफिक फंगी की वजह से।